में चुनाव आयोग की 3 दिन तक चली बैठक खत्म, कहा सभी दल चाहते हैं समय पर हो चुनाव। चुनाव आयोग ने दिया निर्देश, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैलियां सीमित हो, प्रोटोकॉल का पालन। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जाएगा, मतदान केंद्र की संख्या 11,000 बढ़ाई गई, चुनाव कमेटियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। 18 से 19 साल के नए मतदाताओं की तादाद पिछले चुनाव से 3 गुना ज्यादा, 5 जनवरी तक आएगी फाइनल लिस्ट। चुनाव आयोग के मुताबिक महिला मतदाताओं की संख्या में 5 लाख की बढ़ोतरी। दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चेतावनी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कोरोना के 46% मामले ओमिक्रॉन के। ये जरूरत है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह, 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। सत्येंद्र जैन ने बताया दिल्ली के अस्पतालों में अभी कोरोना के 200 मरीज, इनमें से 98 दूसरे राज्यों के। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 923 नए मरीज, करीब 1% हुई पॉजिटिव रेट। देश में कोरोना के नए मामले 13,000 के से ज्यादा, 268 की मौत। दिल्ली में लगी पाबंदियों से आम लोगों की बड़ी मुश्किलें, मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी कतार। दिल्ली में कोरोना के चलते दुकानों के ऑड इवन नियम पर सख्त एक्शन, पहले दिन 4 दुकानें सील, 180 दुकानदारों का चालान। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर, मंदिर तक बंद किया गया कालका जी का मंदिर। राजस्थान में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू, राजधानी जयपुर में 1 दिन में कोरोना के 88 नए मरीज। केरल में भी नाइट कर्फ्यू लागू, रात 10 बजे तक खत्म करना होगा नए साल का जश्न। तेजी से बढ़ते कोरोना आंकड़ों से शुरू हुई देश में तीसरी लहर की आहट, राज्य सरकारों ने लोगों को दी सतर्क रहने की नसीहत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने माना मुंबई में शुरू हो गई है तीसरी लहर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई में 1 दिन में 2 गुने हो गए कोरोना केस, 24 घंटे में सामने आए 2,510 नए मरीज। मुंबई में नए साल के जश्न की मनाही, सार्वजनिक जगहों पर भीड़भाड़ नहीं जुटाने के निर्देश। मुंबई में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 33 नए मरीज, देश के 21 राज्यों में 900 से ज्यादा मामलों की पहचान। गोवा में भी पाबंदियों का ऐलान, क्लब और बार में 50% क्षमता से नए साल का जश्न मनाने का निर्देश। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शिमला में डराने वाली तस्वीर, नए साल के जश्न के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए मामले, 1 दिन में 19 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री, स्पेन से लौटे शख्स में संक्रमण की पुष्टि। बीएमसी ने मुंबई में अर्जुन कपूर के घर को किया सैनिटाइज, 1 दिन पहले पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। नोएडा में कोरोना के 21 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 99। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए केस, यहां 75 सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 473 एक्टिव केस, लखनऊ में कोरोना के 90 सक्रिय मामले। झारखंड में कोरोना विस्फोट के हालात, 1 दिन में मिले 344 नए केस। रांची में कोरोना के 118 नए केस, पिछले 5 दिनों में तेजी से बढ़े मामले। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, हल्द्वानी में एम्स का शिलान्यास। हल्द्वानी को 17,500 करोड़ की 23 योजनाओं की सौगात, रैली को लेकर सख्त सुरक्षा इंतजाम। अमित शाह का आज यूपी में ताबड़तोड़ अभियान, मुरादाबाद, अलीगढ़ और नाव में रैलियां। कन्नौज में बीजेपी सांसद का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया इसलिए मुसलमान नहीं देंगे वोट। मंदिर बनाया हमने, मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे, जिसको वोट देना होगा हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए। पीलीभीत में देर रात जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद, नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद जुटी भीड़। कन्नौज में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान हंगामा, मंच पर आपस में ही भिड़े नेता। आगरा के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से की बात। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई पर सुलगी सियासत, प्रियंका ने आंदोलन की दी चेतावनी। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई का वीडियो था वायरल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जीएसटी दरों में इजाफे का कपड़ा कारोबारी कर रहे हैं विरोध, आज अहमदाबाद में बाजार बंद। बजट की तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय, आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमण की बैठक। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कपड़ों और जूतों पर जीएसटी 12% करने से बढ़ेगी महंगाई।
अमृतसर में अकाली दल और आप के होर्डिंग्स फाड़े गए, पुलिस में शिकायत। महाराजगंज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, कई योजनाओं का किया शिलान्यास। आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, आज चंडीगढ़ में निकालेंगे जुलूस। पीयूष जैन के घर से बरामद सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन आने का अंदेशा, डीआरआई ने कस्टम एक्ट के तहत दर्ज किया केस। 178 करोड़ कैश के अलावा पीयूष जैन के घर से जब्त हुआ 23 किलो सोना, दुबई में बनी ईंटों को स्विस कंपनियों के जरिए भारत में तस्करी करने का शक। कानपुर में करोड़ों की काली कमाई में गिरफ्तार पीयूष जैन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, टैक्स काटकर सारा पैसा लौटाने की अपील। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण को पकड़ा गया, रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़े गए संत कालीचरण, बागेश्वर धाम में किराए के घर में मिला। संत कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी, गोडसे को किया था नमन। कालीचरण महाराज के खिलाफ थाने में भी FIR दर्ज, महात्मा गांधी और नेहरू के खिलाफ बयान देने वाला वीडियो वायरल। देश के कई शहरों में कालीचरण के खिलाफ केस, विवादित बयान को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत। मध्य प्रदेश की पुलिस भी मौके पर पहुंची, तलाशी के बाद होटल के मालिक को लिया गया हिरासत में। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासत, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कार्रवाई संघीय ढांचे के खिलाफ। इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था, संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सवाल, नरोत्तम मिश्रा बताएं वो गाली देने वाले किस खुश हैं या दुखी हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुलगांव और अनंतनाग में मारे गए 6 आतंकी। कुलगांव में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, AK-47 समेत कई हथियार जब्त। मारे गए आतंकियों में 4 स्थानीय, मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तानी। अनंतनाग के नौगाम इलाके में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 1 जख्मी। एक मकान में छुपे थे आतंकी, सुरक्षा बल ने चारों तरफ से की थी घेराबंदी। आज मणिपुर के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, युवा रैली को करेंगे संबोधित। नागालैंड के मोन में हुई हिंसा के मामले में शुरू हुआ SIT का एक्शन, सेना के जवानों से आज से शुरू होगी पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र यादव की बिगड़ी जुबान, कांग्रेस नेताओं की जानवरों से की तुलना। आंदोलन के बाद खेती करते दिखे राकेश टिकैत, ट्रैक्टर चलाकर नकली किसान होने के आरोपों का दिया जवाब। लालू के बेटे तेज प्रताप पर चुनाव आयोग का एक्शन, संपत्ति का ब्यौरा छिपाने के मामले में FIR दर्ज। सहारनपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप, 27 मरीजों की आंख में हुआ इन्फेक्शन। रायसेन में घुसखोर SDM पर लोकायुक्त का एक्शन, 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। कोयम्बटूर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, इलाके में दहशत। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों को बड़ी कामयाबी, एक यात्री के पास से करीब 6 करोड़ के हीरे जब्त। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा झांसी का रेलवे स्टेशन, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली के मेहरोली में बस नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। पाली में सड़क पर पड़ी मिट्टी के ढेर से टक्कर के बाद उछला बाइक सवार, चल रहा था गैस पाइप डालने का काम। अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह के घर हमला, घटना CCTV में कैद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने निकाले रास्ते में बिछाए नुकीले भाले। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य कैंप में मचा हंगामा, नशे में धुत डॉक्टरों ने खड़ा किया तमाशा। हरदोई में मीट कारोबारी की हत्या, भीड़ ने 2 हमलावरों को घेर कर पीटा। मुंबई के दहिसर इलाके में दिनदहाड़े बैंक लूट, लुटेरों ने बैंक कर्मचारी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बकरी चराने के विवाद में महिला की हत्या, नाबालिग आरोपी ने एक बुजुर्ग समेत 2 लोगों को कुएं में भी फेंका। सहारनपुर में टोल के विवाद में मचा हंगामा, महिला टोल कर्मचारी और महिला कार चालक के बीच जमकर मारपीट।
गाजीपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या, मामूली बात को लेकर हुआ था पड़ोसियों से विवाद। नैनीताल में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, बर्फ की परत जमने से मुगल रोड 3 महीने के लिए बंद। नए साल में उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठिठुरन, मौसम विभाग ने जताया 5 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान। जयपुर में सर्द हवाओं ने गिराया पारा, नाहरगढ़ पार्क में जानवरों के लिए लगाए गए हीटर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार गोते लगा रहा है पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। मुंबई में खुदकुशी के इरादे से रेल ट्रैक पर लेटा बुजुर्ग महिला कांस्टेबल ने बचाई जान। मुंबई के वर्सोवा समुद्र तट पर एनसीसी कैडेट ने चलाया सफाई अभियान, अभिनेत्री आयशा जुल्का भी हुई शामिल। मुंबई में बांद्रा डिक्लेमेशन एरिया में खूबसूरत रोशनी, नए साल के स्वागत के लिए की गई सजावट। तमिलनाडु पुलिस ने दी नए साल की सौगात, चोरी के करीब 1500 मोबाइल फोन, 2.5 किलो सोने की ज्वेलरी और करीब 200 गाड़ियां मालिकों को लौटाई। तमिलनाडु में जलीकट्टू उत्सव की तैयारियां जोरों पर, बैलों को दी जा रही है ट्रेनिंग। पूरी दुनिया में फिर से कहर मचाने लगा है कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का, एक दिन में 3 लाख अमेरिका में जो आंकड़े पहुंच रहे हैं, 3,31,000 मरीजों के साथ अब तक का सबसे ऊंचा रेट। ब्रिटेन में भी कोरोना ने मचाया कोहराम, एक दिन में 1,68,000 मरीजों का नया रिकॉर्ड। फ्रांस में भी कोरोना वायरस संक्रमण ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड, एक दिन में 1,80,000 से ज्यादा मरीज। पूरी दुनिया में एक हफ्ते में 11% बढ़ गए कोरोना मामले, WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरियंट है जिम्मेदार। स्पेन में कोरोना पाबंदियों के बीच लोगों ने मनाया पारंपरिक उत्सव, एक दूसरे पर की आटे और अंडे की बारिश।